अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं बनाने वाली हूँ खीर। तो इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लीटर फुल फैट क्रीम दूध मैंने बॉईल करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हाफ कप बासमती छोटी चावल यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिया है। आप चाहे तो कोई भी छोटी चावल यूज़ कर सकते हो खीर बनाने के लिए। हाफ कप दूध, ये गरम दूध में मैंने 1 पिंच केसर डाल के इसे भिगो कर रख दिया है। हाफ टी स्पून हरी इलायची पाउडर, 1 कप चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कूटा हुआ बादाम, पिस्ता और काजू। तो ये देखिए दूध में हमारी बॉईल आने वाली है। तो ये देखिए दूध में हमारी बॉईल आ चुकी है। अब इसमें हम चावल डालेंगे अपने। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें दूध को मिक्स करते रहना है और हमें यूँ नीचे से ले जाना है ताकि नीचे जो हमारी चावल है वो चिपके ना। हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारे दूध और जो चावल के स्टार्च है वो अच्छे से मिक्स हो जाए दोनों एक साथ। इसे हमें लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है ताकि जब तक हमारी जो चावल अच्छे से पक ना जाए हमें इसे लो फ्लेम पर ही रखना है। तो ये देखिए हमें इसे लगातार स्टिर करते रहना है। हमें चावल को अच्छे से कुक करना है, इसके लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलाना है ताकि जो चावल है वो नीचे लगे ना और अच्छे से कुक हो जाए। तो इस पॉइंट पे हम अपनी हरी इलायची पाउडर डाल देंगे। हरी इलायची पाउडर से हमारी जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। ऐसे ही हमें इतना थिक रखना है। देखिए हमारी बहुत अच्छी गाढ़ी हुई है। इसी पॉइंट पे हम चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें लगातार मिक्स करते रहना है ताकि जो हमारी चीनी है वो नीचे लगे ना और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखिए हमें इतना थिक रखना है। अब हम इसमें केसर वाली दूध डालेंगे। ये खीर की सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है। इससे हमारी जो खीर की टेस्ट है वो बहुत ही अच्छी आएगी और हमारी खीर भी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ये देखिए हमारी खीर में बॉईल आ चुकी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे जिससे हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी 2 मिनट हो चुकी है और हमारी खीर भी बहुत ही अच्छी गाढ़ी बनी है। ये देखिए कितने गाढ़े बने हैं हमारे खीर। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है खीर की, इतना ही थिक रखना है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो आप इसे अगर गर्म खाना चाहते हैं तो आप गर्म खा सकते हैं। अगर आपको ठंडा खाना है तो आप पहले इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें, फिर इसे फ्रिज में रख दें और इसे 2 घंटे बाद खाएं। वैसे खीर ठंडी भी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत डिलीशियस लगती है। तो आपको जैसे खाना आप वैसे खाएं। तो मैं इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसे सर्व करूँगी। तो ये देखिए हमारी खीर रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से। पिंच ऑफ केसर डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।